आईफोन SE जिसका इतने लंबे टाइम से वेट हो रहा था फाइनली लॉन्च हो चुका है दोस्तों 5G टेक्नोलॉजी के साथ। यहाँ पे A15 बायोनिक चिपसेट आपको देखने के लिए मिलेगा। सो वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं मनीष अपने चैनल ट्रेवी टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं आईफोन SE 3 के बारे में। दोस्तों iPhone SE 2020 वेरिएंट की अगर बात की जाए तो A13 बायोनिक के साथ आपको देखने के लिए मिलता था 4G कनेक्टिविटी के साथ। यहां पे दोस्तों 5G कनेक्टिविटी के साथ ये iPhone SE 2022 वेरिएंट लॉन्च हुआ है और इसके साथ दोस्तों यहां पे A15 बायोनिक देखने के लिए मिलने वाली है। बताया जा रहा है कैमरा भी पहले वाले आईफोन SE से काफी ज्यादा इंप्रूव यहां पे किया गया है। चलिए इसके डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन एक बार देख लेते हैं। आईफोन SE 2022 वेरिएंट iOS 15 पे रन करता है। 4.7 इंच का फुल SD रेटिना डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलेगा 625 के पीक ब्राइटनेस के साथ। दोस्तों ये जो डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलता है नए आईफोन SE में दोस्तों ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है पुराने वाले से। यहाँ पे बस एक चीज़ यहाँ पे कंपनी की तरफ से बताई जा रही है कि ये टफेस्ट ग्लास है दोस्तों स्मार्टफोन का किसी भी। जी हाँ दोस्तों, काफी टफ ग्लास दोस्तों इसको बताया जा रहा है। फ्रंट एंड बैक साइड में जो ग्लास दिया गया है और दोस्तों यहाँ पे ग्लास प्रोटेक्शन सेम बताई जा रही है जो आपको आईफोन 13 और 13 प्रो में देखने के लिए मिलती है। IP67 रेटिंग के साथ ये देखने के लिए आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों आईफोन SE 2022 वेरिएंट में आपको काफी सारी चीजें आइडेंटिकल मिलने वाली है आईफोन 13 की तरह। जी हाँ दोस्तों, 13 में जैसे आपको A15 बायोनिक का चिपसेट मिलता था, यहाँ पे भी दोस्तों आपको A15 का चिपसेट देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों बताया जा रहा है दोस्तों प्रीवियस आईफोन SE से काफी इंप्रूवमेंट आपको यहाँ पे कैमरे में देखने के लिए मिलने वाली। मतलब यार यहाँ पे आईफोन SE 2022 वेरिएंट में आपको 12 मेगापिक्सल का यहाँ पे रियर कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें काफी सारे ऑप्शंस आपको दिए गए। दोस्तों पहले की तरह ही आईफोन SE 2020 वेरिएंट में एक टच ID बटन मिलेगा फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। यहां पे दोस्तों बैटरी में काफी इंप्रूवमेंट बताई जा रही है दोस्तों पहले के मुकाबले। यहां पे बताया जा रहा है अगर आप वीडियो प्लेबैक करते हैं एक सिंगल चार्ज में आप 15 आवर्स तक यहां पे बैटरी आपकी जाने वाली है। इन केस अगर आप ऑडियो प्लेबैक करते हैं तो 50 आवर्स तक का यहां पे आपको प्लेबैक टाइम मिल जाएगा। दोस्तों बताया जा रहा है नॉर्मली एक दिन तक बैटरी आपकी चल जाती है आप जो एक्टिविटी डे टू डे रूटीन में करते हैं। और दोस्तों यहां पे इसका वजन निकल के आया 144 ग्राम्स। तो दोस्तों ये थी वो स्पेसिफिकेशन जो नए आईफोन SE में आपको देखने के लिए मिलने वाले। दोस्तों यहाँ पे अगर इसके प्राइस की बात की जाए तो 64GB वाला वेरिएंट जो निकल के आता है वो आता है 43,900 रुपीज में। मतलब ये स्टार्टिंग है। अगर आप बात करें 256GB वाले वेरिएंट की तो वो आता है 58,900 रुपीज में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद है जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल और दबा दीजिए बेल आइकन हमारी वीडियो से पहले देखने के लिए। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।